गाइस वेलकम बैक टू बड़ी वीडियो, आप सबका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो सोचा आज फ्री था तो बीच पे ले आऊँ, तो मैं अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ घूमने आया हूँ। तो मीट जिग्नेश भाई, हाय गाइस, कैसा लग रहा है आपको? इतना मस्त बीच है, आप लोग मैं अगर प्लान नहीं बनाते तो आप आ नहीं पाते। हाँ, थैंक यू। तो अभी मैं आगे जो जो चीज़ होंगी वो सब दिखाता रहूँगा, ठीक है? और कैसा लग रहा है आपको? सेकेंड सेमेस्टर ख़त्म होने वाला है एंड बहुत जल्दी आपके एम बी ए भी खत्म हो जाएगी। पता भी नहीं चला कि सेकंड सेमेस्टर किधर खत्म हुआ। ये देखिए बीच में ना घूर है, जा रही है, काफ़ी अच्छी जगह है, ठीक है? थोड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है, ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हाँ, खाने का भी एक्सपेंसिव है ना, तो उसका भी बताएंगे। $14 में जलैटो वलैटो जो भी है, मैंने कभी खाया नहीं। बाकी आगे देखते, आगे वो भी खेल रहे हैं बीच वॉलीबॉल, तो वहाँ पर भी जाते हैं। बेसिकली वहाँ पर लोग खेल रहे हैं बीच वॉलीबॉल एंड काफ़ी ज़्यादा, मतलब अभी तो कितना टाइम हो रहा होगा, 7:30, 8 बज रहे होंगे, और 8 बजे भी मतलब 9:30 बजे तक अंधेरा होगा और अभी भी इतनी भीड़ होगी, और पूरा वो पैसिफिक ओशन है, ठीक है? इतना टाइम है क्या? वेली है ना, काम तो करते नहीं, होमलेस होके पैसे मांगते हैं। होमलेस ना ये लोग, गवर्नमेंट को क्या पता, गवर्नमेंट को फिर भी $2,000 मंथ नहीं मिलता। किसने बोला तेरे को? तो हाँ, मतलब पर यार चिल लाइफ है ना, लोग 5 दिन कमाते हैं और बाकी 2 दिन मजे मारते हैं, तो वही इनका थोड़ा लाइफ साइकिल अलग है। गाइस बेसिकली ये पूरा इंग्लिश पे बीच, जिसमें मतलब लोग ना काफ़ी, मेरे को ना गोरो की लाइफ इसलिए बढ़िया लगती है कि ना ये पूरा एंजॉय करता है अपने आप को ना, पूरा अच्छे से, मतलब 5 दिन हफ्ते में 5 दिन काम करेंगे और 2 दिन मजे मारेंगे, तो पूरा मौज मारे भाई। अभी हमारे हिसाब से ठंड है, मैं जैकेट में आऊँ, पर इनके हिसाब से गर्मी है भाई, तो कसम से पूरी मौज मार रहे हैं भाई, ये पूरी अच्छी तरह मौज मार रहे हैं, और वो सामने बीच है। गाइस अभी जा रहे हैं घर, ठीक है? एंड सबके साथ आया था, मज़ा आया, बाकी लोग को इंट्रोड्यूस कराऊंगा वीडियो में। एंड थोड़ा ना अच्छी वाइब आ रही है, काइंड ऑफ ना कैनेडियन वाइब, और बहुत लोग यहाँ पे इंजॉय करने आए हैं। मतलब पूरा एक होता है ना कि इन लोगों का क्या होता है कि पूरा वीक में 5 दिन काम करके 2 दिन अच्छे से मौज करनी है, सालों को ठंडी लगती है यार, बिल्कुल पानी में निकले पड़े हैं और पूरा एंजॉय कर रहे हैं, और हमें तो भाई टी शर्ट में ठंड लग रही है, पर क्या करें, बीच पे आया तो ऐसा वो वाला मूड दिखाना है पूरा। तो पूरा पीछे वॉलीबॉल खेल रहे हैं, बीच वॉलीबॉल खेल रहे हैं, एंड सैंड में चलना बहुत मुश्किल है, चला भी नहीं जा रहा। और बाकी देखते हैं, अभी घर जा रहे, कुछ खाएंगे पियेंगे, नहीं तो डाउनटाउन UCW के पास से कुछ खाएंगे, और क्रिस्टियानो बीच है इस एरिया का नाम, हम क्रिस्टियानो बीच में हैं। और क्या बताओ यार, बाकी ना बहुत बड़ा बीच है, आगे तक है, और हम ना लेट आए हैं, काफ़ी ज़्यादा लेट आए हैं, और ठंड हो रही है। फिर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, मैं माहौल दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे कैसा माहौल है, पूरा जो आप लोग चाहते थे लड़के वो चीज़ें दिखेगी, पर ठीक है, सब चीज़ें बेस्ट है यहाँ पे। और वो जो वो वाला एरिया हमारा यूनिवर्सिटी का एरिया है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी से सिर्फ 15 मिनट की ड्राइव पे ये एरिया है, पूरा बीच है। एक वो सामने इंग्लिश बे है, ठीक है? इंग्लिश बे तो मैं बहुत बार गया हूँ, यहाँ पे नहीं आया था, तो यहाँ पे भी आ गया आज। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा ये जगह, बहुत कम चीज़ दिखाई है मैंने, पर बीच पे मज़ा आ गया, ठीक है? ये काइंड ऑफ पूरा पैसिफिक ओशन है, ठीक है? पूरा पैसिफिक ओशन के सामने खड़ा आपका भाई, ठीक है? तो थोड़ा ना वाइबिंग वाइब हो रहा है, थोड़ा वीडियो कम बनाई है क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा है, और अभी हमारा सेमेस्टर भी ख़त्म हो गया है, हमारा सेकंड सेमेस्टर भी ख़त्म हो गया, उस चीज़ के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि सेकंड सेमेस्टर कैसा गया। तो और एक वीडियो उसमें बनाऊंगा कि कैनेडियन लोगों से पूछूंगा कि कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस, मतलब इंडियंस के बारे में कुछ चीज़ों के बारे में पूछूंगा उनसे, और इंडियन लोगों से भी वीडियो बनाऊंगा कि कैसा उनका एक्सपीरियंस है पिछले जब से वहाँ पे आए हैं, तो उस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो चलते हैं फिर, और कुछ हुआ तो दिखाऊंगा आपको। जिग्नेश भाई बीच पे मैं आपको लेके आया हूँ, मतलब सब आए हैं, आप थोड़ी लेके आए हो। प्लान किसका था? प्लान तेरा था, ठीक है, बोर हो रही थी तो आ गई। शर्म, टाइम वेस्ट हो गया। टाइम वेस्ट क्यों? कितना कीमती समय है मेरा, कीमती समय कैसे, कुछ नहीं कर रही थी घर पे, खाली बैठी थी, ठीक है? आज ही फ्री थी, वरना मैं बहुत बिजी होती हूं, मेरा शेड्यूल एकदम टाइट है, महीने की 20 घंटे, हफ्ते की 20 घंटे जॉब करके बोल रही है, खाली रहती हूं। 35 आवर्स कभी कभार मिलते हैं, मिल रहे हैं आपको जॉब? सही जा रही है जॉब आपकी? हाँ, अच्छी चल रही है, ठीक है? तो मतलब एरिया अच्छा लगा आपको, बीच वगैरह का? हाँ, अभी कुछ खाना है नहीं, देखते हैं अगर रास्ते में कहीं मिल जाए, बस ढूंढ रही हूँ। एंड
थर्ड सेमेस्टर में आप जा रहे हो तो मेरे को बोलते हैं कि अपने दोस्तों से मिलवाओ, तो नए सेमेस्टर के बच्चों के लिए देखो मेरी ये झूठ तो बोली नहीं, क्या आपकी आना चाहिए इसे डब्ल्यू मिशन से बता रहा। वैसे आना भी चाहिए और नहीं भी आना चाहिए, डिपेंड करता है, अगर पढ़ना है तो आ सकते हो और अगर बहुत ज़्यादा पढ़ती है चीटिंग करके पास होना है तो कोई मतलब नहीं, मत आना, इतना पैसा फिर कहाँ जाओ, इंडिया से ही पढ़ लो अगर इंडिया में हो तो। खुद असाइनमेंट भाजे बकवास फेल रही है आप खड़ोगे क्या क्या, मैं खुद पढ़ती हूँ ठीक है, कुछ नहीं पढ़ती है इसके, अभी बताते हैं दो सब्जेक्ट में फेल है ठीक है, एक अकाउंट में टॉप कर रही हूँ। कितनी परसेंटेज बन रही है मेरी पिछले सेमेस्टर की? 3.33 CGPA है ऑलरेडी। और एक बात बता, एक मिथ हो रहा है तो 3.6 पे मेंशन है इंटर्नशिप देती है यूनिवर्सिटी खुद से? आई गेस यस। तो 3.66 क्या है? 3.66 I don't know, ठीक है तो अभी है। कुछ खाने जा रहे हैं उसके बाद दिखाएंगे अगर घर चले गए तो, ठीक है वीडियो यहीं से ख़त्म हो जाएगी, बाकी ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। चीज़ देखो मेरे को खुद पहली बार पता चला है कि नहीं इलेक्ट्रिक कार है, कि रूबिकॉन भी इलेक्ट्रिक आने लग गए, टेस्ला वगैरह तो इलेक्ट्रिक आती थी पर भाई ये इलेक्ट्रिक काइंड ऑफ फ्यूल भाई साहब, मतलब हाइब्रिड गाड़ी है, दोनों चीज़ होती है ये, अपने टेस्ला टीस्ला, ये अपनी BMW, और ये पूरा एरिया ना आपको वाटरफ्रंट से या फिर बुराड से बस लेनी पड़ेगी इस पूरे एरिया की। क्रिस्टलानो बीच नाम है इस एरिया का, क्रिस्टलानो बीच जो प्रोनाउंस करना है कर लेना। यहाँ पे बच्चे टेनिस खेल रहे हैं सारे एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा एरिया है और थोड़ा शांत एरिया, अपने देसी लोग कम दिखेंगे आपको यहाँ पे और मज़ा आएगा आपको ना थोड़ा यहाँ पे। इस वीडियो का टाइटल भी थोड़ा ऐसे होगा कि बीचेस इन कैनेडा, तो चलते हैं। एंड फ्रेंड्स मतलब अभी यार थोड़ा हमारा प्राइवेट घुस जाके, मतलब थोड़ी प्राइवेट स्पेस है हमारी हम सब की, तो इसलिए मैं सबको ले नहीं रहा, जितना हो रहा है मैं उतना रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप सबको दिखा रहा हूँ। क्या पता वीडियो में साउंड क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा कम है, पर प्लीज़ सह लेना थोड़ा, और वीडियोस की थोड़ी क्वालिटी है, वीडियोस का कंटेंट गिरा है, पर जैसे जैसे अभी सब सेमेस्टर ख़त्म होगा 11 दिन का मेरा ब्रेक होगा एंड मैं फिर वीडियोस पे फिर से कंटिन्यू करूँगा। सो गाइस फिर मैं घर आ गया था बीच घूमने के बाद, और घर आने के बाद इसने चावल बना रखे हैं, मतलब मेरे लिए वो इसने खुद के लिए, और वीडियो देख रहा पत्नी किसी और यूट्यूबर की, मेरे को छोड़ के किसी और यूट्यूबर की वीडियो देख रहा है, घर में एक यूट्यूबर बैठा है तो क्यों किसी और की वीडियो देख रहा है, हैं शर्म नहीं आ रही? पर सारे बर्तन इसके हैं, ये जितने बर्तन है ना सारे मैंने अपने हाथ साफ कर लिए तुम्हारे आगे, इसमें कुछ बर्तन मेरे हैं, कुछ बर्तन अरमीत के, कुछ बर्तन लंबे के, तो ये चीज़ वीडियो बोल अरमीत नहीं साफ करता, मजदूर है सारा। वैसे अभी ख़त्म करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड लोगों को बोल दिया सब्सक्राइब करें, अब कम कर रहे हैं और कितना करें, थोड़ा जिस लेवल पे भी तो 1.4 के सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए थे। सही बात है भाई, बोलो बंदा रोज वीडियो डाल रहा है तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो ऐसे ही हरमीत के बर्थडे की वीडियो आई होप आप लोगों ने लाइक करी हो, इसके बर्थडे भी बना नहीं पाए क्योंकि उस टाइम पर लूम्बा थोड़ा कैमरा कॉम्प्लेक्स हो गया था, उसको रोज होता है, वो रोज मेरी वीडियोस डिसलाइक करता है, बेइज्जती का कोई चक्कर नहीं है, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ गिर जाके हैं कह रहा तेरे को वहाँ गिर जाके कह देखो छोड़ के, कहता मैं तो यहीं छोड़ दूँ, तो मैंने नहीं बोला लंबा लंबी मैंने नहीं बोला ओजी द ओरिजिनल ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम राजपुरा, बाकी भाई ने बहुत अच्छा चावल बनाया, थोड़े मैं भी खाऊंगा, देगा मेरे को खाने के लिए और क्यों इतने बनाए ये तेरी है सोच, पक्का खा सकता हूँ ना कहीं, उसकी पूछना पड़ता है भाई ऐसे लोंडो से, गला पकड़ लेते हैं बाद में, गला पकड़ देनी, खुद का भी खाना आता है ना जनाब का, तो वो खा दो फिर पंगा पड़ता है इसका। मैं तो भगवान कसम वीडियो में नहीं तो इतनी गंदी गंदी गाली देता ना मैं मजाक से हट के, बाकी लोंडा बहुत बढ़िया लड़का है, इसको भी जॉब मिल चुकी है, अभी नहीं अभी मतलब जब शिफ्टें मिलने लगेंगे तो उसके बाद एक वीडियोज़ बनाएंगे, इसके बाद वीडियो बनाएंगे, वीडियोज़ नहीं, अब बोल रहे हो कि वंश काफ़ी टाइम से वीडियो भी नहीं आ रहा, आएगा जल्दी आएगा, तो किसने बोला भाई मैं आया, मेरे को भी इंस्टाग्राम पर मैसेज मेरे बारे सब पता भाई, वैंकूवर में लोग तेरे को पहचानने लग गए हैं, वो तो एक नहीं पहचाना, वॉलमार्ट में तेरे सामने नहीं पहचानते दो बंदों ने, याद है हाँ, वो भी पहचानते लोग, मतलब लोगों का प्यार मिल रहा है ब्रो, ये इसका ऊबर ईट्स का बैग है, वो पीछे मेरी जैकेट पड़ी है, कल सुबह काम पे जाना है भाई, फिर से घिसाई है, ऐसे ही है ना, तो गाइस ठीक है ओके बाय बाय, मिलते वीडियो में फिर से, टाटा।